Good morning, students. Okay, very nice. Okay, so yesterday we had learned the very important part in physics. You know what? That was graphs. Without graphs to study physics, it's very and very difficult. Remember, graphical understanding is only the best way to visualize all the physical equations as well as to physically understand all what is happening. So learning graphs is the first important thing that we have already done. Okay, let us see few more graphs, how to plot them. Just in order to just have a quick revision, what did we learn yesterday? Humne kya padha tha kal? Last lecture we have studied that एस टी ग्राफ. एस मतलब क्या है, हमने कल सीखा था. एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है ना. यस, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे रहता है. फिर हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तीन कंडीशंस देखी. कौन सी? स्टेशनरी वाली, स्पीड बढ़ रही थी और अचानक स्पीड एक्सेलरेट हुई, इसका तीनों का ग्राफ देखा था. फिर क्या देखा था हमने? फिर तीसरा हमने क्या देखा था? हमने फिर बाद में क्या देखा था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यही तीन केसेस थे. स्टेशनरी वाला था, यूनिफॉर्मली विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला था और एक्सेलरेशन वाला था, है ना. तो ये ग्राफ्स हमने स्टडी किया था. तो अभी हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ वैल्यूज वाले लेकर, इसका ग्राफ्स कैसे होता है और इसका ग्राफ के नेचर के बारे में हम कमेंट करेंगे. फिर बाद में हम हमारे फर्दर पार्ट पे जाएंगे. ओके, चलेगा. सो देखो, ये दो ग्राफ्स हैं. उन्होंने पूछा है कि ड्रॉ एस टी ग्राफ भी क्या है. एस मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट, और टी मतलब क्या? टाइम है. तो ऐसे ग्राफ दिया है, तो हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग कन्वेंशन एक ही है कि टाइम हमेशा रहता है एक्स एक्सिस पे. हमने एक कन्वेंशन मान लिया कि टाइम एक्स एक्सिस पे रहेगा और डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस पे रहेगा? वाई एक्सिस पे. ओके, तो ये भी यहाँ पे वैसे ही रहेगा, है ना. ओके, तो इसका मतलब ग्राफ निकल के देखिए, ऐसे देख सकते हैं ना. ये है एक्स एक्सिस, ये है y-axis. x-axis पे वैल्यूज देखो कौन सी है? टाइम की, है ना. तो टाइम देखो यहाँ पे y-axis पे x-axis पे वैल्यूज कौन से आ रहे हैं? x-axis पे वैल्यूज कौन से आ रही है? 0, 2, 4, 6. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ लिटिल बिगर. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. सो वी हैव 2, 4 एंड 6. तो ये हुआ हमारे टाइम की वैल्यूज सेकेंड्स, या लेट्स पुट व्हाट एवर द यूनिट इज. ओके, लेट अस पुट सेकेंड्स एंड हियर इट इज इन मीटर्स. ओके, सेकेंड्स एंड मीटर्स. मीटर्स कितने हैं यहां पे? ओके, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 0 1 2 एंड 3. तो 0 था तब ये भी 0 था, ये भी 0 है, मतलब टाइम स्टार्ट कर रहे हैं हम, तभी उसका पोजीशन कितना है? पोजीशन 0 पे है, तो वो 0 पे रहेगा. After 2 seconds, the distance position covered is 1 meter. So after 2 seconds, position covered is what? The length is 1 meter. So the first point is already drawn. The second point is already, again, we have drawn it. So it's the third point. At 4th second, the distance covered is 2 meter. At 4th second, the distance covered is 2 meters. That's done. At 6th second, the distance covered is 3 meters. At 6th second, the distance covered is, yes, it is 2. So this is what the graph will be looking like, है ना. ये सभी points को हम क्या करेंगे? एक साथ मिला लेंगे. तो ये क्या हुआ? What is this? This is nothing but the graph of our ST graph, है ना. ये कैसा है? ये क्या है? इसका slope कैसा है? देखो, time को unit से बढ़ रहा है, तो displacement भी 1 unit से बढ़ रहा है. यहाँ पे time को unit से बढ़ रहा है, फिर भी displacement एक ही unit से बढ़ रहा है. यहाँ पे टाइम 2 यूनिट से बढ़ रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट से बढ़ रहा है. तो ये हुआ कॉमन स्लोप. स्लोप क्या हुआ? सेम है ना, कांस्टेंट है स्लोप, क्योंकि जितना ये आगे बढ़ रहा है उतना ही चेंज वाई एक्सिस पे है. जितना चेंज का सिंबल कैसे रहते हैं? डेल्टा. डेल्टा माने चेंज. ऑलवेज रिमेंबर, डेल्टा मीन्स वॉट? इट इज चेंज. सो चेंज इन वाई कॉर्डिनेट पे चेंज इन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे जो कुछ चेंज है और डिवाइडेड है एक्स एक्सिस में जो कुछ चेंज है ना. तो वो क्या है? देखो, फर्स्ट केस में देखो, वाई एक्सिस पे चेंज कितना है? 1 माइनस 0, और टाइम कितना है? 2 माइनस 0. तो कितना हुआ? हुआ ये 1 अपॉन 2. यहाँ पे देखो, सेकेंड सिचुएशन में फ्रॉम हियर टू हियर, लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी. ए टू बी देखो, ए टू बी क्या हो रहा है? वेलोसिटी कितनी वाई एक्सिस पे चेंज कितनी है? 2 माइनस
वन एक और चेंज और x एक्सिस में कितना है 4 माइनस 2 तो इसका वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 1 4 माइनस 2 इज 2 यहां पे देखो यहां पे चेंज कितना हुआ ये भी उतना ही चेंज हो रहा है ना x 3 माइनस 2 अपॉन व्हाट 4 6 माइनस 4 इसका वैल्यू 1 1 अपॉन 2 आ रहा है ये 1 अपॉन 2 मतलब क्या 1 अपॉन 2 मतलब क्या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चेंज इन y अपॉन चेंज इन x नेक्स्ट चेंज इन y अपॉन नेक्स्ट चेंज इन x तो जितना y y में जो कुछ चेंज होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू x में जो कुछ चेंज होने वाला है इसका जो अगर हमने वैल्यूज देखे अलग अलग पॉइंट पे तो वो हमको क्या दिख रहा है ये सेम है और सेम है इसका मतलब ये भी होता है कि जितना ये y एक्सिस चेंज हुआ उतना ही x एक्सिस चेंज हो रहा है और हमेशा ये उतना ही रहने वाला है ना हमेशा ये उतना ही है ये हमने ग्राफ से भी देखा और ये हमने वैल्यू से भी देखा इससे हमें और क्या पता चलता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चेंज इन y अपॉन चेंज इन x चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज कांस्टेंट एंड दैट इज व्हाई द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इसको हम क्या कहते हैं स्लोप इसको हम क्या कहते हैं स्लोप एंड स्लोप इज कांस्टेंट स्लोप इज स्लोप हम करेंगे k या m से डिनोट करते हैं इज व्हाट चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप इज कांस्टेंट इन दिस ग्राफ What is the comment? In the given graph, the slope of S versus T graph is constant. Constant मतलब क्या है? ये वैल्यू क्या है? Fixed है. Hence, it is a straight line. It is a straight line. Are you got something clear? हाँ एवढं क्लियर झालं बच्चों इतना क्लियर हुआ येस तो अब हम क्या देखेंगे जो स्लोप है हमारा के या फिर वी एम हाँ ये क्या वैल्यूज दिखा रहा है y मतलब क्या वैल्यूज है देखो 1 माइनस 0 मतलब ये y एक्सिस पे कौन था s था ना s मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कौन है s मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे t मतलब क्या है टाइम है ना ठीक है बच्चों तो यहाँ पे अगर क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट चेंज इन y मतलब क्या हो रहा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां पे क्या है ये क्या है ये कांस्टेंट है स्लोप स्लोप मतलब लेट अस कॉल m तो m की वैल्यू क्या है m की वैल्यू क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट चेंज इन y मतलब क्या चेंज इन डिस्टेंस है ना यहां डिस्प्लेसमेंट हमने कहा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट यहां पे स्लोप लिखा हमने अपॉन x एक्सिस पे कौन है टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न कि अगर एक ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट हो रहा है या फिर लाइन उसमें स्ट्रेट आ रही है लाइन फिक्स स्ट्रेट आ रही है इसके अलावा ऐसी लाइन आ रही है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा स्लोप क्या है कांस्टेंट फिर वेलोसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट होगी वेलोसिटी इज कांस्टेंट व्हेन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिमेंबर द व्हेन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ओके इट इज अ फिक्स्ड स्लोप क्या हम बोल सकते हैं यहां पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है अंडरस्टूड दिस क्लियरली ठीक है ओके सो दिस वाज रिगार्डिंग द फर्स्ट ग्राफ सो यहां पे इतना लिखना है और कमेंट करना व्हाट इज द वेलोसिटी velocity of the slope of the graph is a constant value. You can see it as a straight line. Okay, clear enough? Yes. आगे बढ़ते हैं। और anything else you can comment here? We understood the slope, है ना? ये graph का slope क्या है? Y-axis upon x-axis. And the slope is telling us velocity. So you can also write here, the slope is telling us velocity. This is the answer to the first question. Okay, this is the first question. This is your second one. This is your third one. This is your fourth. So this is the answer to the first question. This is the answer to your first question.
Okay, did you get it, students? Just you can rub it off. Okay, we'll rub it off. Just write it. Pause the event.1, 2, 3, 4.
बहुत से बच्चे 2, 4, 9, 14, 19 बाकी 19 तक है, तो मेरे को ग्राफ बड़ा लगेगा, तो क्या करता हूँ 5, 9, 8 छोटे छोटे वैल्यू ले लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ओके यस नाउ लेट अस सी द ग्राफ्स ओके जीरो पे क्या है 2 सेकेंड्स जीरो पे क्या है 2 सेकेंड्स दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट जीरो पे 2 सेकेंड वन पे कितना है 5 व्हेन आई एम गोइंग फॉर वन द ग्राफ इज समवेयर 4 टू 6 बिंदु में यहां पे रहेगा ओके व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स द वेलोसिटी इज 9 व्हेन टाइम इज 3 सेकेंड द वेलोसिटी इज इवन 8 एंड 9 इट इज योर ओके एंड व्हेन इट इज 4 इट इज 19 4 इट इज 19 ओके 19 मतलब सडनली यहां पे जा रहा है ओके यस सो देखो ग्राफ कैसा है ये ऐसा है फिर ऐसा है फिर ऐसा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं है इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट होगा क्या नहीं होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज नॉट कांस्टेंट बट व्हाट इज स्लोप हियर पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बता रहा था आपको एनी कैन एनीवन आंसर पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बता रहा था व्हाट वाज स्लोप ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ ये था पोजीशन है ना और ये था टाइम तो इसमें हमने स्लोप निकाला था तो स्लोप क्या बता रहा था आपको डेल्टा एस मतलब डेल्टा बड़ा क्या था आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ये क्या था चेंज इन एक्स एक्सिस तो स्लोप क्या था हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था ना डेल्टा वाई क्या था डिस्प्लेसमेंट और ये डेल्टा एक्स क्या था टाइम तो स्लोप क्या होगा वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है वेलोसिटी होता है पर ये ग्राफ किसका है हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकल रहा है सॉल्विंग द थर्ड आंसर तो थर्ड आंसर में स्लोप की वैल्यू निकालो स्लोप मतलब क्या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स या हमने अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले स्लोप क्या है चेंज इन वाई मतलब लेट अस टेक एनी ऑफ टू पॉइंट्स लेट अस कॉल ए बी एंड सी तो यस सो वी हैव एबल टू रन दिस ग्राफ हां तो देखो जीरो पे क्या हो गया टू पे है ना यस और आफ्टर 1 सेकंड वेयर इट इज आफ्टर 1 सेकंड वेयर इट इज कम Yes. After 1 second, it has come to 0.5. After 1 second, it has come to 0.5. So somewhere it is there here. Okay. After 2 seconds, it has gone to 0.9. So it has taken here. अभी ग्राफ पे इसका डिस्टेंस अगर इक्वल हमने निकाला ना एक्स एक्स की तो विल गेट द एक्यूरेट ग्राफ अबाउट 3 पे क्या है इसका वैल्यू 14 है ये कितना है इसका वैल्यू इट इज 14 सो यू कैन सी एंड 4 पे कितना है इसका वैल्यू 19 इसका वैल्यू 19 है ओके सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ इट इज स्लाइटली गेटिंग कर्व लंबो कर्व हो रहा है क्योंकि हमेशा इसका स्लोप अलग अलग रहेगा हमेशा इसका स्लोप क्या रहेगा अलग अलग रहेगा सो एवरी टाइम स्लोप इज और गिव दिस नेम 6.0 ओ ए बी सी डी इसको नाम दो सो ओ ए बी सी डी जस्ट हमने देख लिया कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या है ओके ओ ए बी सी डी तो हमें देख लिया लास्ट हमने देखा स्लोप मतलब क्या होता है ना स्लोप मतलब क्या होता है हमने देख लिया व्हाट इज स्लोप स्लोप इज चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस है ना तो y एक्सिस का चेंज कितना है o to a चेंज कितना है देखो चेंज इन y एक्सिस मतलब y एक्सिस का चेंज कौन हो रहा है वेलोसिटी के अलग अलग वैल्यूज है ना चेंज इन y तो y एक्सिस क्या है 5 माइनस क्या है 2 तो 5 माइनस 2 x एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है 1 माइनस 0 तो स्लोप क्या है m की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 ये 5 दिखा है मीटर्स पे है ना हमने ये वैल्यूज वेलोसिटी की क्या वैल्यू है यहां पे वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड टाइम इज मेजर्ड इन
So it can have 3 meters per second. Now it can have second. So this one, three, the answer will be 3 meters per second squared. This is the value of m. Now what is m? Nothing but slope. Okay students, so let us see the next part. ये थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे. थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ एसटी ग्राफ क्या होता है, हमें स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी. स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी. नाउ वी विल सी स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ. नाउ वी विल सी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, हमने देखा है. व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज व्हाट, चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी है ना. वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, वेलोसिटी. और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है. तो अगर एक बाइक है और उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है हर वक्त, सो इट विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज. सो डिफरेंट वेलोसिटीज वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज चेंजिंग है ना. चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम इज टेलिंग यू व्हाट, इट इज टेलिंग यू एक्सेलरेशन. The slope of velocity time graph tells you what, acceleration. Always remember the slope of velocity time tells you what, value of acceleration. And the unit of acceleration is what, unit of velocity is what, meters per second. Upon time is what, upon seconds. So it will be nothing but what, meters per second square. It will be nothing but what, meters per second square. So remember this value. Okay, write it down, learning it. Yes. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी स्लोप्स निकाल रहे हैं जीरो ए बी सी डी के. तो ये क्या है, हमने ये ग्राफ पे ये पॉइंट्स को हमने प्लॉट किए 0 1 2 3 4 और ये वेलोसिटी के वैल्यूज लिख दिया है 2 5 9 14 19. सो 2 5 9 देन वी हैव 14 एंड देन वी हैव 19. इफ वी हैव प्लॉटेड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, देन व्हाट डू यू सी, दैट द ग्राफ इज little curve, the graph is not a straight line. So velocity time graph अगर हमने देखा तो उसका graph, उसका slope क्या है, change हो रहा है. इसका slope क्या हो रहा है, change हो रहा है ना. तो graph का slope अगर change हो रहा है मतलब क्या, slope is not constant. Slope is what, not constant. इसका मतलब velocity time graph का slope क्या था, velocity time graph का slope क्या था, हमने सीखा है velocity time graph अगर रहेगा, if the graph is velocity versus time, then the slope is called as what, acceleration. So just now we had written the slope of velocity time graph is called acceleration. Yahan pe kya likha tha humne, the slope of displacement time graph is velocity. यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब slope of velocity time graph is acceleration, slope of velocity time graph is acceleration. हम study करेंगे अलग अलग velocity को respect कर अलग time है ना. Yes, so now study the acceleration is, let us see what is the slope first. What is slope, slope at O to A, slope at O to A, what is slope, change in y upon change in x है ना. slope at O to A, let us change in y मतलब क्या, a की वैल्यू कितनी है और o की वैल्यू कितनी, that is what, y2 minus y1 upon x2 minus x1, or you can write it as what, y2 मतलब final point है a, y at a minus y at o upon x at a minus x at o है ना. व्हाट इज x, y at a, y मतलब क्या है, ये y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी. वेलोसिटी एट a माइनस वेलोसिटी एट व्हाट, o अपॉन x एक्सिस पे क्या है, टाइम है. टाइम एट a माइनस टाइम एट o है ना. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी. इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज डेल्टा मतलब क्या, सिंबल ऑफ चेंज. चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन टाइम. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना है, a पे कितना है, देखो 5 minus 2 अपॉन व्हाट, ए माइनस बी क्या है, 1 minus 0 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड. 5 मीटर पर सेकंड माइनस 2 मीटर पर सेकंड कितना होता है, 3 मीटर पर सेकंड. और ये डिफरेंस कितना है, 1 सेकंड.
what do we have here? 3 meters per second per second, that is 3 meters per second square. Ye kya hua iska? Slope. Ye kya hua iska? Slope. Now what do you think? 1 second mein uski speed 2 meters per second se kitni hogi? Now we are 1 second mein uski speed 2 meters per second se kitni hogi? 5 meters per second hogi. Iska matlab time badha to speed bhi, velocity bhi kya hogi? Badhi. And the velocity has increased. So if velocity is increased, that means the body has undergone acceleration. This is the value of meters per second square. Then from point O to A. From point O to A. Now let us see what is the value of acceleration. What is the value of slope? Or what is the value of acceleration? Always remember at point A to B. Slope at A to B. Now I will not write this all. I will just write final value. B के कितना values देखो. 9 minus 5. x axis में कौन चेंज हो रहा है? 2 माइनस 1. फिर जो टाइप 2 माइनस 1 भी होगा, सो कितना है? 9 माइनस 1 4 अपॉन 1, दैट इज 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. पहले कितनी थी? 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. अभी कितनी हुई है? 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और द वैल्यू ऑफ स्लोप इज नॉट फिक्स्ड. इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. अरे स्केटिंग स्टूडेंट्स, इतना ही हमको समझना है. हमने सुन लिया हुआ इसका काम. अलग अलग वैल्यूज में सीढ़ी पे भी प्लॉट कर सकते हो या देख के भी बता सकते हो क्या इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप भी कॉन्स्टेंट नहीं है. यस, लेट अस सी द फोर्थ ग्राफ. ये ग्राफ देखिए इसका. इसका स्लोप निकल सकते हैं आप. देखो यहाँ पे 0 to 4 से 0, 1, 2, 3, 4. ओके, यस. तो लेट मी ड्रॉ हियर. 0, 3, 6, 9 and 12. सो ये मैंने रिसेंटली प्लॉट किया. ये तो देखो 0 पे 0 है, 1 पे 3 है, 2 पे 6 है, 3 पे 9 है और 4 पे क्या है 12. दिस सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या है? इट सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ये पॉइंट्स को मैंने अगर करेक्ट कर लिया ना, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, 2 पर 6 ये तीसरा है, ये चौथा है, ये अच्छा ये पांचों पॉइंट्स मैंने अगर करेक्ट कर लिए ना, सो व्हाट डू आई सी स्टूडेंट्स? आई सी स्टूडेंट्स दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. सो इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देन व्हाट द स्लोप इज? कॉन्स्टेंट. स्लोप इज कॉन्स्टेंट. स्लोप मतलब क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? व्हाट इज द स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ? स्लोप इन वेलोसिटी टाइम इज व्हाट? एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. सो व्हाट यू कैन कमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ हियर? दैट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. व्हाट यू कैन कमेंट हियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कॉन्स्टेंट है? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. You can find the values, slope की values निकाल सकते हैं. You can take these two points O, A, B, C, D. कौन सा भी एक point ले लो. Let us take from point B to C. Slope at B, C. ना है देखो B to C में values of y भी चेंज कर लो. y axis पे कौन है? y axis पे कौन है? Velocity, that is what? 9 minus 6. y axis पे कौन है? Time. सो कितना हुआ? 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ स्लोप. स्लोप मतलब क्या? एक्सेलरेशन. स्लोप मतलब क्या? एक्सेलरेशन. कितनी वैल्यू हुई? 3 मीटर्स पर सेकेंड. अगेन लेट अस फाइंड फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. लेट अस फाइंड स्लोप एट सी डी. स्लोप एट सी डी. सी टू डी पे स्लोप देखो. सी टू डी मतलब सी टू डी फ्रॉम 9 to 12. द वैल्यू ऑफ सी टू डी हमने इसे निकाला. कैसे निकालते हैं स्लोप? लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन. लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन. ये वैल्यू में देखो 12 माइनस 9. यहाँ पे एक्सटेंड करो देखो क्या है? 4 माइनस ये वैल्यू कहाँ पर है? यहाँ पर. ये वैल्यू कहाँ पर है? इट इज 4 माइनस 3. ये वैल्यू कहाँ पर है? 12 पर. यहाँ पर 9. 12 माइनस 9 4 माइनस 3 अपॉन 1. व्हाट इज द स्लोप? एक्सेलरेशन अगेन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर.
if the acceleration is constant, if the acceleration is constant, then you can say that if the slope is constant, you can say that acceleration is constant. इतना clear हुआ आपको? Yes. ये हुआ हमारे चारों क्वेश्चन का आंसर. अब हम सीखते हैं नया पॉइंट, इट इज एरिया अंडर द कर्व. ओके, यस. अभी हमने स्लोप सीखा था, अभी क्या सीखते हैं? एरिया अंडर द कर्व सीखते हैं. What is that we will learn now? Area under the curve. Students, अभी हमने क्या निकाला था? Slope निकाला था. Slope में क्या था? Division था. Okay, what was there in slope? It was division. So whenever you have division, division of what? Y axis पे जो quantity है वो और x axis पे जो quantity है वो. तो division रहता था slope में. एरिया क्या होगा? एरिया मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो व्हेन यू आर डूइंग एरिया, व्हेन यू आर फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, यू विल बी डूइंग मल्टीप्लिकेशन. What is this? This is velocity time curve. Yes. Okay. Now tell me, if let us draw a straight line. Yes, line. What is this? 40 kilometers per hour. What is this? 1 hour, 0 hours, 1 hour. This is 2 hours. This is 3 hours. This is 4 hours. Okay. And I am supposed to find the values from for this interval. मतलब क्या? 2 to 4 interval. So from time 2 hours to 4 hours, from time 2 hours to 4 hours, find the displacement. Find the displacement. ऐसा क्वेश्चन है. हम क्या कर सकेंगे? From 2 hours to 4 hours, find the displacement. हम displacement कैसे निकाल सकेंगे? So what is displacement? Displacement is nothing but, yes, we say velocity into time. What is it? Velocity into time. So what is the value of velocity? 40 kilometers per hour. What is the value of velocity? 40 kilometers per hour. ये value क्या है? Fixed है ना? Fixed है. 2 hours के लिए 40 kilometers per hour थी, और 3 hours के लिए कितनी है? 40 kilometers per hour है. So students, so what we are doing here is we are taking what? ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. क्या है? दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड दिस इज योर वी हैव 20 किलोमीटर पर आवर. दिस 40 एंड दिस इज 60. ये 40 किलोमीटर पर आवर की जो लाइन है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की लाइन, ये क्या है? यहाँ से ऐसे जा रही है. इसका मतलब क्या? टाइम जब जीरो था ना, तो बॉडी की स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. जब टाइम 1 आवर हुआ, उसकी स्पीड कितनी रहती? 40 किलोमीटर पर आवर. जब टाइम 2 आवर्स था, उसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. जब टाइम 3 था, तो कितनी था? 40. 4 था, तो कितना था? 40. इसका स्पीड क्या है? वेलोसिटी क्या है? कॉन्स्टेंट है. दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन. यस और नो? यस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या? 2 hours to 4 hours. 2 hours to 4 hours की टाइम कितना हुआ यहाँ पे? 4 minus 2, ये कितना होगा? 2 hours. ये क्या है? 40 किलोमीटर पर आर इन 2 hours. आर साइज लेट कैंसिल. तो व्हाट वी हैव आंसर? 80 किलोमीटर है ना. 40 किलोमीटर आर से ये गाड़ी चल रही है, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है? फ्रॉम 2 hours टू 4 hours. इसीलिए मैंने क्या लिया? अ फाइनल वैल्यू माइनस अ इनिशियल वैल्यू. सो मुझे कितना डिफरेंस पता चला टाइम का? 2 hours का. 2 hours journey and with speed of 40 kilometers per hour. So what do you think is the displacement covered? So displacement is just like distance is speed into time. Displacement will be for the vector quantities. Displacement will become velocity into time. It is 40 kilometers per hour into 2 hours. That means your answer is 80 kilometers per hour. So the answer will be 40 kilometers per hour into 2 hours. It is 80 kilometers. So this is the value of displacement. तो हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें फिक्स वैल्यू पता है, इसीलिए पता चला. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन टेल द सेम आंसर.
यू कैन टेल द सेम आंसर बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व. मतलब टू आर्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे मार्क करना है, और इसके अंदर जो कुछ एरिया है ना, दैट एरिया वी हैव टू फाइंड द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. इसका एरिया निकाल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट,
So this also you have to write it down. Important thing. Yes. Clear? Yes. So now we will be learning the main part, that is three kinematical equations. Students, what is this? आपको अभी तक ये क्या चल रहा था? एक ग्राफ चल रहा है. तो ग्राफ में क्या होता है? थोड़ा स्लोप होता है, ग्राफ का कुछ एरिया होता है, वो हम कैलकुलेट करने को सीख गए थे. स्लोप मतलब क्या? वाई एक्सिस का वैल्यू लेने का, एक्स एक्सिस का वैल्यू लेने का, दोनों को डिवाइड करने का, ये हुआ स्लोप. एरिया मतलब क्या? वो लेंथ इनटू ब्रेथ निकालने का, वो हो गया एरिया. ये हम अभी हमने समझा, ठीक है? बस नाउ स्टूडेंट्स, हमको अगर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मांगना है, स्पीड का, क्या है वो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज इट नॉट? कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड? कम स्पीड मतलब क्या? व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना. स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फार्मूला मालूम है आपको. पर यहाँ पे क्या रहता है हमेशा? वेलोसिटी की वैल्यू है, व्हाट इज दैट? अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सिमिलरली वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इट इज नथिंग बट सेम क्वांटिटीज. पर हमको ये एक ही फार्मूला पता है, और ये फॉर्मूला में वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है या स्पीड की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. पर अगर स्पीड चेंज हो रहा है हर वक्त, अलग अलग स्पीड है, तो हम एवरेज स्पीड से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं. पर एवरेज भी अगर चेंज हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? सो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स हो गए तो हम क्या करते हैं? वी हैव अ न्यू थ्री फार्मूलेस. हमारे पास तीन नए फार्मूले हैं और वो हम यूज़ करने वाले हैं. और वो तीन फार्मूले को हम बोलते हैं वी कॉल इट थ्री काइनामेटिकल इक्वेशंस. ओके, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पॉइंट हियर. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पॉइंट हियर. व्हाट आर दोस इक्वेशंस कॉल्ड एज? विच आर द मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स, विदाउट विच फिजिक्स कैन नॉट वर्क एट ऑल. सो व्हाट आर दीज थ्री इक्वेशंस? वी आर कॉल्ड एज थ्री काइनामेटिकल इक्वेशंस. उसकी वैल्यूज क्या है? तीन इक्वेशंस क्या है काइनामेटिकल इक्वेशंस? ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन देख लो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन देख लो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. सो दीज आर थ्री काइनामेटिकल इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री काइनामेटिकल इक्वेशंस. एंड दीज थ्री काइनामेटिकल इक्वेशंस आर always going to be there for you in throughout your life. So just remember that box the right corner for v matlab kya bolo? V matlab velocity. Kaun si final matlab final velocity? What is the final velocity? What is u v velocity? Initial velocity. Initial matlab kaisi? Starting velocity. Okay, a matlab kya hai? What is a? A is acceleration. What is a? A is acceleration. What is t? T is time. What is that there? Or kya hai aapke paas? S hai. S matlab kya? Displacement. ये equation है मतलब क्या कि हमको equation मतलब क्या कि हमको अगर एक value नहीं पता होती है तो equal to sign की वजह से बाकी के values अगर पता होते हैं तो जो value नहीं पता है वो equation को क्या करते हैं? इक्वेशन को जो वैल्यूज नहीं पता है उसको अकेले करके बाकी के वैल्यूज को हम प्लस माइनस सिंबल का जो कुछ रहेगा इक्वेशन में कन्वर्जन वो सॉल्व करके हम इक्वेशन में जो वैल्यू हमको निकाल लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ वेलोसिटी निकाल, तो ये वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं. यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है. ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं. वैसे ही हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. इनिशियल वेलोसिटी टाइम दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला ये है. और इनिशियल वेलोसिटीज दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है. और अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो. ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया है पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है. यहाँ पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है.
तो देखो तीनों अलग अलग इक्वेशंस हैं, तीनों अलग अलग इक्वेशंस में एक एक क्वांटिटी नहीं दी हुई है, तो जो क्वांटिटी नहीं दी हुई है उसको वो क्वांटिटी यहाँ पे अगर टाइम नहीं दिया तो ये क्वांटिटी मत यूज करना जब आपको फॉर्मूले में टाइम जब आपको टाइम यूज करना है, यू यूज दीज टू फॉर्मूलेस ओके. सो दीज थ्री आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस व्हिच हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो हम इसको क्या करेंगे, इसका ये देखेंगे क्या, सी हाउ दे आर डिराइव, सी हाउ दे आर डिराइव, तो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे ओके. देखो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे. तो फर्स्ट यू विल सी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये था ना हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. यस, तो हम एक वेलोसिटी एंड ग्राफ लेंगे, this is the equation and these are the points. Now students, what we are doing here, so hum kya kar rahe hain, yahan pe humko ye equation v equals to u plus at nikalna hai. to humne kya dekha tha thodi der pehle, slope of velocity time graph uses what, acceleration hai na, kya bola tha humne, acceleration milta hai slope of what, velocity time graph. to slope ka matlab kya hota hai, change in y upon change in x, change in y upon change in x, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, ए. तो सी स्टूडेंट्स चेंज इन लाइन, लेट अस टेक पॉइंट ए टू सी. यहां पे ये क्या है, ए मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज दिस इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज दिस, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना यहां पे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है एट पॉइंट सी. एट पॉइंट सी आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एट पॉइंट ए आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ओके. व्हाट इज एक्सेलरेशन, लेट अस टेक पॉइंट फॉर पॉइंट स्लोप फॉर पॉइंट ए टू सी, दैट इज व्हाट, बी माइनस यू, एंड व्हाट इज एक्स, 0 टू टी, ए टू बी हम देखेंगे, बीटा यहां पे क्या है, लेट अस टेक क्या है, कवर टाइम टी, टाइम टी है, तो हम इसको ग्राफ पे हमने स्टडी की, तो व्हाट वी विल गेट, हमको ये मिलता है ना, बी माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू ए. सी स्टूडेंट वन सेकंड, व्हाट इज ए, ए मतलब क्या है, स्लोप ही है ना, अब अगर स्लोप निकलना है तो हम क्या करते हैं, अभी देखा था स्लोप निकलना था, क्या करते हैं, स्लोप ऑफ दिस ये लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये लाइन को हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया. व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज व्हाट, चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस मतलब y एक्सिस में जो कुछ चेंज होगा, v माइनस यू, माइनस यू, और चेंज इन एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पे टाइम टी सेकेंड्स हो रहा है, टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन वॉट पी ओ, सी डी अपॉन पी ओ, वॉट इज ए इक्वल्स टू सी डी अपॉन पी ओ, सी डी मतलब क्या है, हमने देखा पी माइनस यू, और पी ओ मतलब क्या, पी माइनस जीरो, इन शॉर्ट what do we have here, a equals to b minus u upon t, we have b equals to a by t, and then we have minus u upon a. देखो ये t यहाँ पे divide कर रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे multiply कर रहे हैं, तो हमने अगर लिखा यहाँ पे तो ये minus से यहाँ पे क्या करेगा, plus करेगा, तो यहाँ
u plus at. What is this? This is the equation for velocity. What is the equation for velocity? V equals u plus at. Getting student? तो हमने ये derive कर लिया यहाँ से. Okay students, तो ये आपको लिखना है. First analytical equation v equals u plus at, ये हमने derive किया. Okay. Now let us derive the second analytical equation. ये आप pause करके लिख लो एक बार. Okay. Pause it and write it down. Now we'll see the write the second analytical equation. Is that s is equal to u t plus half a t square. इसको हमने derive करना है. Derive करना मतलब कैसे आता है वो निकालना है. So आप what we are doing here students now. Now what we are going to do? हमको ये slope निकाला था हमने. Slope of velocity time graph होता है क्या है? Acceleration है ना. इसलिए हमने वो value निकाला. अब हमको क्या चाहिए? Displacement चाहिए. थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था? The area of velocity time graph gives us displacement. है ना? So what is S? S is what? Area of velocity time graph. देखो area of the graph मतलब ये पूरा area आ रहा है ना? उसका area कितना होता है? Area मतलब area of the rectangle. Area of rectangle plus area of what is this? Triangle. So what is the area of rectangle? AD multiplied by AO. AD multiplied by AO. What is the area of triangle? Half. What is this? AD. And what is that? CD. So what is AD tell me? What is AD? AD is time. AD मतलब क्या हो रहा है? AD मतलब क्या बता रहा है आपको? Time बता रहा है. 0 to t. 0 to t क्या होता है? Time बता रहा है कितना time का है वो ये हुआ t. Okay, what is AO? A to O क्या हो रहा है? Velocity बढ़ रही है. 0 to u, it is ut plus half. AD क्या होता है? A to d मतलब क्या होता है? A to d मतलब it is nothing but time से level ना. तो क्या होता है? Time. What is c to d? C to D मतलब V माइनस यू. ये इतना डिस्टेंस क्या हुआ? V माइनस यू. थोड़ी देर पहले याद करो, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बैक करो. V माइनस यू अपॉन टी हमने क्या लिखा था? ये लिखा था, याद करो ये. तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? ये टी को हमने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, V माइनस यू क्या होता है? ए टी होता है. क्या होता है? V माइनस यू मतलब क्या होता है? ए टी होता है ना. सो हम V माइनस यू की जगह 80 लिख सकते हैं. ये माइनस की जो 80 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है? वही तो ग्राफ है. और वही ग्राफ पे हम v माइनस यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a इंटू टी. ओके, v माइनस यू की वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखी थी? v माइनस यू इक्वल्स ए टी. हम क्या करेंगे कि s है, s इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू. वी माइनस यू इज वी माइनस यू इक्वल्स ए टी. You solve this, you become this equals to u t plus half a t u t is t square. So this is the derivation of second kinematical equation. ये भी आपको याद करना है. Pause करके लिख लो. Okay students, क्या important है यहाँ पे? Area under the velocity time graph gives you displacement. Area under the velocity time graph gives you displacement. What is the area? Area of rectangle है. ये वैल्यूज आपको देखने हैं कि ये क्या है. इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, यहाँ पे जा रहा है. ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये टाइम जीरो है, यहाँ पे टाइम टी हो रहा है. तो यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है. तो हमको ये वेलोसिटी ग्राफ में एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वाई मतलब चेंज इन एक्स. तो ये हमने लिख लिया था थोड़ी देर पहले, और अब ये लिख लिया. तो ये दोनों हमको डिराइव हो गए. अभी लास्ट हो, लास्ट पार्ट है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? वो u स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a. तो इसका डिफरेंट डेरिवेशन देखो क्या आता है. यस, तो इसका हमने क्या करना है? फिर से एक बार s मतलब क्या होता है? अभी हम मूवमेंट प्रैक्टिस इन कंसीडर करेंगे. एरिया ऑफ s इक्वल्स टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम मतलब क्या? उसके जिसके टू दो साइड्स पैरेलल. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय
Area of trapezium is given by what? S. क्या है? Because it is a velocity vector. Because the given graph is velocity versus time. है ना? Yes. So what is that? So area of trapezium क्या होता है? Anybody knows? S equals to area of trapezium. What is area of trapezium? Half of sum of parallel sides into what? Distance between the parallel sides. So ये formula याद रखो. Okay. So what is sum of parallel sides? Parallel number of sides is AO plus CP. AO plus What is the distance between parallel sides? OP. है ना OP. So what is AO? AO मतलब क्या है? U है. What is CP? CP क्या है? V है. और OP मतलब क्या है? OP मतलब क्या है? P है. Again याद करो पहले equation. V minus U upon T. बस क्या लिखा था हमने? A लिखा था. इसका मतलब हमको अगर T चाहिए वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई सो बी माइनस यू अपॉन ए टी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बी माइनस यू बाई ए लिख सकता हूँ और मैं क्या करूँगा फिर से यू प्लस बी अपॉन टू लिखूंगा और टी की जगह क्या लिखूंगा बी माइनस यू बाई ए बी माइनस यू बाई ए अभी क्या है एस है इतनी बात समझ में आई हमें आपको इतनी बात समझ में आई यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा अगर कुछ होता है तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं सो लाइकवाइज ये क्या हुआ इसको हम क्या लिख सकते हैं अगेन s इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए ये दोनों को हमने क्या लिखा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखो तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी अगर हम ये इसको के लिए यहाँ पे लिख देंगे ये क्या होगा टू ए एस ये माइनस यू स्क्वायर यहाँ पे आएगा प्लस टू आर एंड दैट इज हाउ वी गेट थर्ड आइडेंटिटी इक्वेशन इज यहाँ पे तो स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस हमने ये देखो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर लिए ओके स्टूडेंट्स दिस लेक्चर इज लिटिल बिग बट डू नॉट वरी यू हैव हॉलीडे till next Tuesday, till next Wednesday, you will not be having lectures. So remember, you have to see this lecture two times. What is important is that only two things: what is slope and what is area. What is the slope of distance time graph? What is the slope of velocity time graph? What is the slope of displacement time graph? What is the slope of velocity time graph? What is the area under velocity time graph? ओके ये तीन चीज़ आपको पता करनी है सो होमवर्क इज टू राइट समरी रिगार्डिंग या पॉज करके लिख लेना है पूरा डेरिवेशन तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस के साथ है होमवर्क इज व्हाट इज स्लो All the best for the week. You watch this video at least two times.